नहीं अब ठीक है, अब थोड़ा दर्द नहीं है सीने में। नहीं डॉक्टर को बोला मैंने, उसने बोला हार्ट अटैक तो नहीं है। हाँ रखो मैं बाद में बात करता हूँ, हाँ तबीयत ठीक है। वो घर वाले चिंता कर रहे थे क्योंकि अभी अभी मैंने नेटफ्लिक्स पर शिरीष कुंदर की फिल्म मिसेस सीरियल किलर देखी और मैं दावा कर सकता हूँ कि इसकी सिर्फ 5 मिनट की डोज से कोरोना, कैंसर, एड्स, फोड़े, फुंसी, पुरानी कब्ज, बवासीर, इन सब का इलाज किया जा सकता है। क्या दर्द हो रहा है फिल्म देखने के बाद। इसे देखने के बाद दिल कर रहा है कि मैं जीते जी अपनी आँखें डोनेट कर दूँ। जिन हाथों से मैंने फिल्म देखने के लिए रिमोट उठाया था उन हाथों को मैं, जो गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन होती है ना, उसके अंदर देकर टुंडा हो जाऊँ। जिन कानों से मैंने फिल्म को सुना है उसमें खोलता तेल डालकर कान के पर्दे जला डालूँ। अरे जिस सोफे पर बैठकर मैंने ये फिल्म देखने का पाप किया है उस सोफे को तोड़कर चूल्हे में डालकर फूंक डालूँ। और जिस घड़ी मैंने ये फिल्म देखने का फैसला किया था, मन कर रहा है उस घड़ी की सुइयाँ निकालकर अपनी आँखों में घोंप लूँ, क्योंकि अब इन आंखों से मैं बाकी जिंदगी और कुछ नहीं देखना चाहता। मैंने क्या देख लिया, अरे बाबा उठा ले मेरे को भी इसको। सॉरी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक। और एक सेकेंड मुझे जरा चिकोटी का क्या, हाँ चिकोटी काट कर देखने दो कि मैं हूँ भी या नहीं, क्योंकि मैंने अभी अभी जो देखा है उसके बाद मेरी आत्मा मेरे शरीर का लॉकडाउन तोड़कर बाहर जा चुकी है। खैर इससे पहले कि मैं इस फिल्म का और चीरहरण करूँ, मैं आपको ज़रा इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, वो भी बिना सस्पेंस रिवील किए। तो ये कहानी है फिल्म में एक डॉक्टर मुखर्जी की, जिनका किरदार निभाया है मनोज वाजपेयी ने। हम सब इनके हमेशा से फैन थे, हैं और रहेंगे भी इस फिल्म के बाद भी। चलो कोई नहीं। एक है इनकी पत्नी सोना, जिनका रोल किया है जैकलिन फर्नांडिस ने। और फिल्म में एक है इंस्पेक्टर इमरान शाही, जिनका रोल कर रहे हैं मोहित रैना, जो एक वक्त पहले सोना यानी जैकलिन के प्रेमी थे। वही सोना यानी जैकलिन जो कि मनोज वाजपेयी यानी मुखर्जी साहब की वाइफ हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, आगे बढ़ो। फिल्म के शुरू में दिखाया गया है कि कैसे इंस्पेक्टर इमरान शाहिद डॉक्टर मुखर्जी पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें कुछ प्रेग्नेंट कुंवारी लड़कियों की मौत का कसूरवार बताते हुए जेल पहुंचा देता है। वो ये साबित कर देता है कि हाल फिलहाल शहर में जितनी लड़कियां गायब हुई हैं उन सबको डॉक्टर मुखर्जी ने ही मारा है। इसके बाद डॉक्टर मुखर्जी यानी मनोज वाजपेयी की पत्नी सोना यानी जैकलीन अपने वकील के कहने पर ऐसी ही एक और प्रेग्नेंट लड़की का मर्डर करने का प्लान बनाती है, ताकि ये साबित हो सके कि असली खूनी अब भी बाहर है और डॉक्टर मुखर्जी निर्दोष है। ठीक है, इसके बाद की फिल्म की कहानी इसी के इर्द गिर्द आजू बाजू में घूमती है। क्या सोना वाकई किसी और लड़की का मर्डर कर पाती है? क्या सच में उनका पति यानी वाजपेयी साहब बेकसूर निकलते हैं यानी डॉक्टर मुखर्जी? और क्यों इंस्पेक्टर इमरान शाहिद डॉक्टर मुखर्जी को फंसाने की कोशिश करता है, ये आगे पता चलता है। इसके बाद जो होता है वो बताकर मैं सस्पेंस तो नहीं खोलना चाहता, लेकिन इसके बाद जो भी होता है और जैसे भी होता है उससे ज़्यादा बचकाना, बनावटी और घटिया शायद ही आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। ट्विस्ट से लेकर ज़्यादातर कलाकारों की एक्टिंग तक कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है, सिवाय आखिर के 10-15 मिनट में जो मनोज वाजपेयी की एक्टिंग है उसको छोड़कर। फिल्म में एक्शन सीन आते हैं तो लगता है कि बच्चों की कोई कार्टून फिल्म चल रही है। एक सीन जहां जैकलीन एक लड़की को क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश करती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा बचकाना, बेतुका और सर पीटने वाला, बाल नोचने वाला, एक दूसरे को चाकू मार देने वाला, टीवी स्क्रीन फोड़ देने वाला, यानी इतने हद तक ले जाने वाला कोई सीन नहीं देखा होगा। बीच सीन में आपका दिल करता है कि अरे जैकलीन दीदी, उस लड़की की बजाय आप मेरे को एक क्लोरोफार्म सुंघा के बेहोश कर दो। और बेहोश क्यों, सीधा मार के खत्म ही करो ना यार। इसी तरह ट्विस्ट के नाम पर जो ट्विस्ट डाले गए हैं, ऐसा लगता है कि किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले इंटर्न को बुलाया, इधर आ बेटा ये ले, पैसा थोड़ी देते इंटर्न को, फिल्म लिख दे हम बना देंगे। उस ट्विस्ट से आपको डायरेक्टर ऐसे ही सरप्राइज करने की कोशिश करता है जैसे आप अपने मुंह के आगे हाथ रखकर अपने 1 साल के बच्चे को ता करके खुश करते हो ना। आपको लगता है कि हाथ हटने के बाद जब आपका थोबड़ा आपका बच्चा देखेगा तो वो खुश हो जाएगा। उसी तरह डायरेक्टर साहब ने इस फिल्म में भी भारतीय दर्शकों को इतना मंदबुद्धि समझ लिया है कि वो अपने फालतू ट्विस्ट से ता करके उन्हें सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। दूसरा, फिल्म के पेस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। शुरू में इतनी तेजी से इवेंट्स होते हैं कि आपको लगता है अरे 15 मिनट में तो पिक्चर खत्म हो जाएगी। नो डाउट थ्रिलर फिल्मों में चीजें पेस से आगे बढ़ती हैं, लेकिन बिना कैरेक्टर एस्टेब्लिश किए, बिना उनका बैकग्राउंड बताए हुए अगर आप एक के बाद एक टर्न दिखाते हैं तो दर्शक उस कहानी में इमोशनली इन्वेस्ट कर ही नहीं पाता है। इसके अलावा फिल्म शुरू में इतना तेजी से भागती है कि 35-40 मिनट बाद ही उसकी सांस फूलने लगती है। किसकी? फिल्म की। वो हांफने लगती है, आपको लगता है वो एक जगह थककर बैठ गई है। ये सब देखकर आपको भी थकावट होने लगती है और आप सोचते हो कि अपनी और ऐसी की तैसी करवाने के बजाय एसी चलाकर सो जाता हूं, लेकिन काश मैं भी सो गया हो।
तो मेरा एक सवा घंटा और बच जाता, लेकिन आप दर्शकों के लिए मैं जान हथेली पर रखकर एक घंटा और जागा, मगर घंटा कुछ नहीं हुआ। फिल्म देखने के बाद मैं इस गहरी सोच में पड़ गया कि बाबा नेटफ्लिक्स, जिस पर दुनिया का इतना बेहतरीन कंटेंट है, जो नेटफ्लिक्स सिर्फ अपने कंटेंट के दम पर दुनिया की 10-12 बड़ी कंपनियों में शुमार हो चुका है, उसी नेटफ्लिक्स ने मिसेस सीरियल किलर जैसा कंटेंट अप्रूव कैसे कर दिया? जैसे अपने किसी अच्छे दोस्त को आप गंदी संगति में पढ़ते देख नहीं सकते ना, उसी तरह अपने पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसा देखकर मैं सच में बड़ा दुखी हूँ। मुझे सोच सोच कर बुरा लग रहा है कि जिस नेटफ्लिक्स पर ब्रेकिंग बैड, मनी हाइस्ट, हाउस ऑफ कार्ड्स, बेटर कॉल सॉल और इतने बेहतरीन बेहतरीन पकवान पड़े हैं, उसी रसोई में शिरीष कुंदर की दोनों तरफ से जली हुई मिसेस किलर की तंदूरी रोटी भी रखी जाएगी। हे भगवान, इस रसोई की रक्षा करना प्लीज, क्योंकि बचपन में ही हमने सुना था कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, और वैसे भी ये मछली तो सीरियल किलर है। बाकी ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप किन किन फिल्मों या वेब सीरीज़ का रिव्यू हमसे सुनना और देखना और समझना चाहते हैं वो भी हमको ज़रूर बताइएगा। मैं करूँगा नहीं, करूँगा तो अपनी मन की, लेकिन फिर भी आप बता देना। नहीं प्लीज़, अपना ख्याल रखना, लॉकडाउन फॉलो करते रहना, और इस फिल्म को, सीरियल किलर को, मिसेस सीरियल किलर को ज़रूर देखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं भुगता हूँ तो आप भी भुगतो, क्योंकि अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो आप भी मेरे दोस्त हो ना, तो इसलिए प्लीज़ देख लेना। देखने के बाद कैसी लगी, जैसा मैंने बोला वैसी ही लगी तो कमेंट करोगे तो और मजा आएगा। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ये चैनल है RJ रौनक नोपो। दूसरे चैनल पर हमने लॉकडाउन बढ़ने के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि उसको बढ़ने से क्या फायदा होएगा, क्या नुकसान होएगा और एग्जैक्टली क्या सीन होएगा। बाकी अपना ख्याल रखो। हाँ, बोल दिया ना मैंने, चैनल सब्सक्राइब, फेसबुक पर देख रहे तो ये ठीक है, अभी निकलो ना यार, एक सेकेंड, मम्मी फिर से, हाँ नहीं, हाँ अभी ठीक है, छाती का दर्द है।